Dear students, exercise 5.5, question 14. Find the dy by dx of the following function. Cos x raised power y is equal to cos y raised power x. लो पहले log ले लेते हैं. Taking log on both sides. J log of cos x raised power y is equal to log of cos y raised power x. अब y आगे चल जाएगा, y log of cos x plus equal to x log cos y. लो आप डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. लो फर्स्ट फंक्शन, ये प्रोडक्ट ऑफ रूल लगना, प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का. फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स सेकंड, लॉग ऑफ कॉस एक्स सेकंड फंक्शन है, वाई फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वाई. तो ये तो डीवाई बाय डीएक्स ही हो गया, इक्वल टू इधर भी लगेगा रूल सही वही प्रोडक्ट वाला, फर्स्ट फंक्शन इनटू डी बाय डीएक्स ऑफ लॉग कॉस वाई प्लस लॉग cos y into d by dx of first function x का डेरिवेटिव. लो अब करते हैं सिंप्लीफाई इनको, डेरिवेटिव y इसका डेरिवेटिव होता है log का 1 over cos x. तो अब cos x का भी लिखना है, डेरिवेटिव प्लस log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तो वही रहना, इक्वल टू एक्स, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर कॉस वाई. तो अब कॉस वाई का भी लिखेंगे प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1 होता है. अब सिंप्लीफाई करना, बस इसका डेरिवेटिव लिख लेंगे y बटा cos x, d by dx ऑफ cos x होता है माइनस sin x प्लस log cos x into dy by dx इज इक्वल टू x बटा cos y. d dx ऑफ cos y होएगा माइनस sin y. अब y का भी डेरिवेटिव लिखना हमने dy वाई बाई डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है, प्लस log cos y. अब dy वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, इसे लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे. पहले तो इसे लिख लेते हैं log of cos x into dy वाई बाई डी एक्स, ये माइनस है ना, इधर प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू साइन वाई बटा कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स
इक्वल टू, तो ये लॉग कॉस वाई तो पहले इधर लॉग ऑफ कॉस वाई, तो जे आ इधर वाला जे माइनस है ना, जे वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, जे बन जाना वाई साइन एक्स बटा कॉस एक्स। ये देख लो जे साइन एक्स बटा कॉस एक्स है। अब डी वाई बाय डी एक्स कॉमन निकाल लो, जहां लॉग कॉस एक्स बच गया, कॉस एक्स प्लस एक्स साइन वाई बटा कॉस वाई होता टेंजेंट वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई प्लस वाई साइन एक्स बटा कॉस एक्स होता टेंजेंट एक्स। बस इसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जी आ गया लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेंजेंट एक्स, ये वाली सारी टर्म ये नीचे आ जाएगी लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेंजेंट वाई, तो ये डेरिवेटिव आ गया। लो एक बार फिर देख लो, ये टर्म में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता।